गाड़ी चोरी हो जाती है तो आप क्या करें, और गाड़ी चोरी होने के बाद आप पुलिस कंप्लेन करते हैं, उसके बाद आपको गाड़ी मिल जाती है तो आपको गाड़ी कैसे मिलेगा, और अगर आपका गाड़ी कमर्शियल गाड़ी है और उस वो गाड़ी चोरी हो जाती है तो आप क्या कीजिएगा। पिछले साल मेरी एक अपाची थी, वो चोरी हो गई थी, तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस से गुजरना पड़ा था थाना से लेकर कोर्ट तक, तो सारा चीज़ इसे वीडियो में इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी साझा करेंगे। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बाकी अंत में आप लोग का मन में कोई सवाल रहेगा तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। बाकी पहले वीडियो को पूरी तरह से देखिए और समझिए। गाड़ी चोरी हो जाती है तो क्या करें और उसका समस्या बताते हैं। पहले तो आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है, और जो भी मतलब कि माइंड को शांति पे, आप जिस जिला में रहते हैं वहाँ गाड़ी आपकी चोरी हो गई है तो वहाँ के पास के थाना में आप लोग को कंप्लेंट करना है। जैसे आपके घर के आसपास से गाड़ी चोरी हुई है तो अपने थाना के अंदर में कंप्लेंट को दर्ज करना है। अगर आप कहीं घूमने गए हैं और वहाँ गाड़ी चोरी हो गई है तो वहाँ के थाना के क्षेत्र में आप लोग को गाड़ी चोरी का आप लोग का FIR दर्ज कराना है। उसमें आप लोग को क्या क्या दर्ज करवाना है, उसमें आप लोग को डेट और टाइम, चेसिस नंबर, इंजन नंबर और गाड़ी नंबर, ये सब विवरण उसमें डालना है, और कितने बजे आपकी गाड़ी वहाँ से चोरी हुई है ये तो टाइम ज़रूर उसमें डालना है। 24 घंटे के अंदर में इंश्योरेंस कंपनी को भी आप लोग को इन्फॉर्म कर देना है कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई है, और उनसे कंप्लेंट नंबर अपने पास कंप्लेंट नंबर उनसे ले लेना है और आपको नोट करके रख लेना है। गाड़ी खो गई है, आपने FIR दर्ज पुलिस को करवाई है और पुलिस के खोजबीन में गाड़ी मिल गई है तो पुलिस आपको गाड़ी नहीं देगी। गाड़ी लेने के लिए आपको जो आपने FIR किया है उसे थाने से कंप्लेंट का कॉपी, FIR का कॉपी ले लेना है, और फिर आपको कोर्ट चले जाना है। कोर्ट में CRP 451, CRP 457 और कोर्ट से प्रार्थना पत्र का कॉपी लेकर उसमें कोर्ट में आपको थाना में कॉपी का उसको सुपुर्द कर देना है। उसके बाद आपको जब जहाँ पे गाड़ी चोरी हुई थी वहाँ पे जाकर उस कॉपी को आपको थाने में जमा करा देना है, तब आपको गाड़ी जाके मिल जाएगी। तो ये हो गया, आपको गाड़ी चोरी हो गई और एक दो दिन में या सप्ताह भर में कभी भी गाड़ी मिल जाए, महीना दो महीना में, तो इस तरह से आप गाड़ी आप लोग को आपके हाथ में मिल जाएगा। लेकिन बाई चांस गाड़ी आपको नहीं मिलती है तो इंश्योरेंस वाले पैसा आपको कैसे मिलेगा वो आप जानिए। चोरी होने के समय से लगभग 5 से 6 महीने के बाद जो पुलिस जो थाने में SI रैंक के अधिकारी होते हैं वो थाने में आपकी गाड़ी के कार्य में विवरण के बारे में आपके कोर्ट में वह चार्जशीट जमा करेंगे, और वो चार्जशीट के इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करने के बाद आपको जो गाड़ी चला रहे थे उनका ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का RC ये सब आपको इंश्योरेंस कंपनी को भी दे देना है। और पुलिस जहाँ पर आपने गाड़ी नहीं मिलने के कारण 5-6 महीना हो गया है तो वहाँ भी आप लोग को ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का RC वगैरह वहाँ पे आप लोग का उसका कॉपी दे देना है। आपको पैसे नहीं देना चाहती है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर केस कर सकते हैं, फिर उसके माध्यम से थोड़ा सा समय लगता है, उसके बाद फिर आपको पैसा मिल जाएगा। जो भी कागज़ होता है वो कंप्लीट रखें, अगर फेल हो जाएगा तो आप इंश्योरेंस का लाभ नहीं उठा सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गया, पोल्यूशन हो गया, और गाड़ी हो तो परमिट और फिटनेस और पोल्यूशन को भी कंप्लीट रखें ताकि क्लेम लेने में आसानी हो। चलिए, मैंने नियम के तहत आप लोग को बता दिया कि किस तरह से आपकी गाड़ी चोरी हो और तो चोरी हो तो किस तरह से आपको गाड़ी मिल जाए, तब क्या कर सकते हैं, अगर गाड़ी ना मिले तो इंश्योरेंस का आप लाभ कैसे उठा सकते हैं, ये नियम के तहत मैंने बता दिया। बाकी मेरी गाड़ी चोरी हुई थी तो मैंने क्या क्या परेशानी देखा, तो वो परेशानी आपके साथ भी आ सकती है। तो ये भी हमारी बातों कुछ और मैं कुछ अपना समय देते हुए हमारी बातों को सुन लीजिए ताकि आप लोग भी इस समस्या से अपने समय में आए तो इस चीज़ को सॉल्व आउट कर लीजिएगा। मैंने न्यू अपाची लिया था पिछले साल और लगभग 1-2 महीने ही चला था, तो उसके बाद वो मेरे घर से ही वो ब्लेंड करने के बाद वो गाड़ी आने वाले समय में लग रहा कि 5-6 महीना भी हो गया तो गाड़ी नहीं मिला, तो उसे कंपनी को उसने जो SI अधिकारी के रैंक होते हैं तो उन्होंने चार्जशीट कोर्ट में जमा किया और कोर्ट भी 1-2 महीने का टाइम लिया
उसका क्या बोलते हैं, वहाँ चार्जशीट जब जमा हो जाता है तो उसका उसका कॉपी आप लोग को लेना पड़ता है। इंश्योरेंस वाले भी आए थे कि किस तरह से गाड़ी कहाँ से चोरी हुई थी, किस तरह से गाड़ी कौन चला रहा था, तो गाड़ी का सारा कागज उन्होंने ले गया, इंश्योरेंस हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो इस तरह का कागज उनको जमा किया गया और सारा विवरण उनको बताया गया कि कहाँ कहाँ से गाड़ी किस तरह से चोरी हुआ था, कौन से कलर की गाड़ी थी, और कॉपी के साथ DLRC और पोल्यूशन लगा कर इंश्योरेंस ऑफिस में भी जाके जमा कर दिए। तो वहाँ भी 4 से 5 महीना लगा अकाउंट में पैसे आने में लगा। अकाउंट में पैसा कितना आया था, लगभग 1,40,000 का गाड़ी था उस टाइम लिए थे, और उस टाइम अकाउंट में आया 90,000 रुपया। क्योंकि गाड़ी चोरी होने पर बहुत परेशानी हो जाती है, इसलिए अपने गाड़ी को सावधानी रखें और थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्योंकि क्लेम लेने में बहुत दौड़ धूप और परेशानी हो जाता है। आसानी हो तो जैसे भी गाड़ी आप लोगों को चोरी हो तो सबसे पहले तुरंत है पुलिस को FIR करें, और शायद 3 महीना में आपको 3 महीना में शायद 3 से 4 महीना में पुलिस आप लोग को कोर्ट में चार्जशीट जमा करेगी, और उस टाइम दौरान आप लोग को भी इंश्योरेंस कंपनी से भी आप लोग के पास आएंगे कि गाड़ी किस तरह से चोरी हुआ था, और DLRC और पोल्यूशन वगैरह आपसे और लेके जाएंगे। वो होते हैं केस कार से आप लोग को जाके मिल लेना है, और वहाँ से आप लोग का जो चार्जशीट का कॉपी है कॉपी ले लीजिए वहाँ से, और कॉपी लेने के बाद अपने डायरेक्ट चले जाइए इंश्योरेंस ऑफिस से, और अपने जो भी आप जिस कंपनी से इंश्योरेंस करा रहा था उसी इंश्योरेंस में जाके अपनी कॉपी को जमा कर दें, और फिर 4 से 5 महीने में पैसा आप लोग को मिल जाएगा। बाकी वहाँ से भी कुछ आप लोग कॉपी उपी ले लें, रिसीविंग शायद मिले तो वहाँ से ले लीजिए, और फिर से कहेंगे कि एक बार अपनी सावधानी और सतर्क जरूर रहें, क्योंकि कुछ खोने के बाद लोग परेशान हो जाते हैं, फिर मिलता नहीं है, इसलिए सतर्क और सावधान जरूर रहेंगे। फिर किसी कोई सवाल होगा तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा, मैं रिप्लाई दे दूंगा। बाकी फिर किसी नए वीडियो मिलते, तब तक के लिए अपना ख्याल और दूसरों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।